सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कालिया और आज हम बात कर रहे हैं कृषि की, यानी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। भारत में 6 लाख गांव हैं और वहां पर कहा जाता है कि 30 से 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग कृषि या कृषि से संबंधित एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि का भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना योगदान है? 2015-16 के हिसाब से भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो करीब 1.5 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपयों का है और उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर यानी एग्रीकल्चर से संबंधित सेक्टर जैसे हो सकते हैं अपने फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इसको अगर मैं सबको मिलाता हूं तो करीब 13.7% का इसके अंदर एग्रीकल्चर का हिस्सा है। भारत एग्रीकल्चर की एक महाशक्ति है और यहां पर यह कहा जाता है कि गेहूं और चावल का ये सबसे बड़ा यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। 120 कंट्रीज के अंदर भारतीय कृषि के उत्पाद 2,60,000 करोड़ के करीब कहा जाता है कि एक्सपोर्ट होते हैं, मगर फिर भी भारत की कृषि के अंदर कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। अभी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है जितनी अमेरिका में और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलती है, मगर इस चीज को सॉल्व करने के लिए आज हमारे बीच में एक दिग्गज कृषि दिग्गज एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मैं उनका आपसे परिचय कराता हूं। आप प्रोफेसर रमेश मित्तल हैं जो निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के आप डायरेक्टर हैं। आप MBA हैं, आपने PhD कर रखी है और आपने IIM अहमदाबाद, कैलकटा, बेंगलोर आदि से मैनेजमेंट के एडवांस कोर्स भी कर रखे हैं। करीब 30 साल का आपको अनुभव है और उसमें 5 साल का आपको अनुभव USA यानी अमेरिका में काम करने का है। अगर मैं इनके 30 वर्ष के अनुभव को देखता हूं तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक ट्रेनर हैं, आप एक बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं, आप एक अच्छे काउंसलर हैं, आप एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं और कृषि के अंदर आपका बहुत जबरदस्त यानी खास तौर पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आपकी दिग्गज पहुंच भी यहां पर है। अगर आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करता हूं तो आपने एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो जापान में है वहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दूसरे देशों के कृषि विशेषज्ञों को आपने दी है। इसी तरह से आपने थाईलैंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल और वियतनाम प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अंदर भी अपना आपने धाक जमाई है वहां पर यानी अपनी विशेषज्ञता को साबित किया है और आपने कमोडिटी यानी कि आपने अगर हम बोले सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कंट्री रिपोर्ट भी हमारे भारत देश को यानी भारतीय सरकार को आपने दी है। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है, एज एग्जीक्यूटिव भी आपने वहां पर काम किया हुआ है, आपने सरकारी क्षेत्र में काम किया है, आपने सरकारी का मिश्रित संस्था है यहां पर यानी पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर भी काम किया है और साथ में आपने सरकारों के साथ भी काम किया हुआ है। यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर आप एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए भी आप वहां पर गए थे। खैर, आपका जो परिचय है वो बहुत लंबा है, समय की अपनी सीमा, क्योंकि हमसे रमेश जी से हमें काफी सारी चीजें इसके अंदर पूछनी है। आपने कई किताबें भी लिखी है मैनेजमेंट मार्केटिंग के ऊपर और मैनेजमेंट के जो चारों एरिया है, आपके मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है एंड ऑपरेशन, चारों में एक साथ आपने जो विशेषज्ञता हासिल की है वो काबिले तारीफ है। तो रमेश जी से हमारी गुरु पूर्णिमा के दिन बात हुई और उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि वो पत्रिका के दर्शकों से रूबरू होंगे और खास तौर पे एग्रीकल्चर की बात करेंगे और एग्रीकल्चर के अंदर भी खास तौर पे आप अगर अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उनके पास ऐसी स्कीम है कि आपको मजा आ जाएगा वो सुनने के लिए। तो रमेश जी अगेन आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है इसके बारे में बताइए कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत को ये महाशक्ति कैसे बनाने जा रहा है। देखिए, इस संस्थान की स्थापना आज के 31 वर्ष पूर्व FAO की रिकमेंडेशन पर हुई थी। अच्छा। और ये संस्थान एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस है और ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ही काम कर रहा है, ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए भी काम कर रहा है। क्या बात है। और इस संस्थान के बहुत अच्छे संबंध है अमेरिका में, जैसे USAID, USDA, AFMA, FPO, APO, इन सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग भी ये संस्थान प्रदान करता है। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है। अभी तक 40 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आ चुके हैं। क्या बात है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में महारत है और दूसरा कोई संस्थान इसकी टक्कर का भारत में नहीं है। वो अभी जयपुर में ही है। जी, जयपुर में स्थापित है और पूरे भारत के लोगों के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें राजस्थान के लोग भी है, सभी आते हैं यहाँ पर। पढ़ाई के लिए 2 साल का डिप्लोमा भी चलता है जो कि AICTE से अप्रूव्ड है। रिसर्च भी होती है, कंसल्टेंसी भी ये करते हैं और ट्रेनिंग भी होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी होता है। और अभी नए तौर पर एक इंक्यूबेशन, आपने नाम सुना होगा, एग्री इंक्यूबेशन सेंटर की बात चल रही है पूरे देश में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात चल रही है पूरे देश में, एक कृषि उद्यमिता की बात चल रही है पूरे देश में, उसके लिए भी इस संस्थान के अंदर पूरे संसाधन मौजूद है और बहुत अच्छे तौर पर संस्थान कार्य कर रहा है। तो क्या बात है कि अभी इस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर खुला है,
इनक्यूबेशन का सर आप रमेश जी हिंदी में अर्थ समझाएं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि ये कितना बढ़िया चीज आपने चालू की है और थोड़ा सा अपन इस पे और विस्तार से बात करेंगे। देखिए इनक्यूबेशन को अगर अपन साधारण अर्थ में लेंगे तो आपने देखा होगा एक छोटा नवजात शिशु होता है वो अस्पताल में होता है, उसको पैदा होता है, पैदा होने के साथ उसको माँ को नहीं दिया जाता, उसकी देखभाल एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में की जाती है ताकि उसकी जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाए। उसको सब तरह की सुविधा दी जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से दी जाती है, उसका खान पान है, देख रेख है, सब तरह से उसका ध्यान दिया जाता है, तो वो एक इनक्यूबेशन होता है। तो इसी प्रकार से हमने एक उस प्रकार का इनक्यूबेशन डेवलप किया है कि एक ऐसा उद्यमी जिसकी पूरी तरह से सहायता हो, शिशु के समान सहायता हो, छोटे बच्चे के समान उसकी देखरेख को, उसकी स्थापना की गई है। एक आता है व्यक्ति, मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, या उसको किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी नहीं है, केवल उसके पास केवल कोई आइडिया है, छोटा सा आइडिया है, वो ये सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, हम उसको प्रवेश देते हैं और यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, मेंटर हैं, तो धीरे धीरे उसके आइडिया को डेवलप करते हैं। क्या बात है। तो दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि अगर पूरे इंडिया में तो 6 लाख गांव हैं और राजस्थान में 40,000 के आसपास गांव हैं जी, तो गांव से कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई उम्र का बार नहीं है जी, कोई उम्र का बंधन नहीं है, चाहे उसने पढ़ाई की है या नहीं पढ़ाई की है, और वो अगर कृषि के क्षेत्र के अंदर कुछ स्थापित करना चाहता है अपना व्यापार, तो वो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को इमीडिएटली तुरंत कॉन्टेक्ट करें, संपर्क कर सकता है। और उसके लिए हम दो प्रकार के कोर्सेज चला रहे हैं हमारे यहाँ। एक आइडिया जनरेशन का कोर्स है, किसी भी प्रकार का बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में हो, हमारे पास आए, हम उस आइडिया को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिससे कई बार जो अपने गाँव में देखा जाता है रमेश जी की, मैं एक वर्कर तो अच्छा हूँ जी, पर मैं अपने टाइम को बेचना चाहता हूँ, बस एक एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मगर बिजनेस करना मेरे को शायद नहीं आता। तो उसको क्या आप कुछ इसके कंसेप्ट वगैरह भी अवधारणा भी समझाते हैं कि बिल्कुल एक पारंपरिक तरीका है पैसे कमाने का और एक बिजनेस का तरीका है पैसे कमाने का, कैसे आप क्या कर रहे हैं? देखिए आज का जो दौर है बड़ा प्रतिस्पर्धा का दौर है, सही बात है, और साधारण तौर से जो बिजनेस किया जाता है उसमें सफलता बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें पहले शायद 100 साल तक लोग एक ही प्रकार का बिजनेस करते रहे, या 50 साल तक करते रहे, या 10 साल तक करते रहे। आज परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप अपने बिजनेस में ज्यादा योग्यता नहीं रखते, रोज उसमें नए प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते, नई आप नई अवधारणा नहीं लाते, तो बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल पाते। तो उसको स्थायित्व देने के लिए ये इनक्यूबेशन काम करता है। अच्छा, अब जब बच्चे यहाँ आते हैं तो देखिए, कोई युवा भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, यहाँ पर ये है कि इसमें कोई एज बार नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कहीं 18 साल, कहीं 21 साल, कहीं 25 साल, इस प्रकार की एज होती है। लेकिन हमारे यहाँ 18 से लेकर के और रिटायर्ड व्यक्ति भी हमारे यहाँ आ सकता है। अति सुंदर, क्या बात है, वास्तव में बहुत बढ़िया आपने कंसेप्ट निकाला है आपके संस्थान ने, भारतीय सरकार ने, और बताएं। तो इसमें एक तो आयु का कुछ बंधन नहीं है, इसका कोई बंधन नहीं है, दूसरा शिक्षा का भी नहीं, शिक्षा भी नहीं। तो अभी एक ब्रेक का समय हो गया है, हम इसी जगह से प्रोफेसर रमेश मित्तल से फिर बात करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।